गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड अवर फर्स्ट चैप्टर इन सिविक्स, दैट इज डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसीज, दैट इज फर्स्ट डायरेक्ट डेमोक्रेसी. डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज व्हेन पीपल पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन स्टेट अफेयर्स, दैट इज नॉट फाउंड एनीवेयर एनीमोर. द सेकेंड इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं और वही लोग आगे गवर्नमेंट को कैरी करते हैं, लाइक इंडिया एंड जापान. नाउ लेट्स कम टू नो व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेसी. सो वी कैन से दैट डेमोक्रेसी वॉज सोन इन रोमन रिपब्लिक. रोमन रिपब्लिक के साथ ही डेमोक्रेसी की स्टार्टिंग हो गई थी. लेट्स कम टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ अबाउट द नीड ऑफ डेमोक्रेसी. क्यों ज़रूरत है हमें डेमोक्रेसी की? सो द फैक्टर्स आर गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द विल ऑफ पीपल. डेमोक्रेसी इज असेंशियल बिकॉज गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द विल ऑफ पीपल. सेकेंड, द गवर्नमेंट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल बिकॉज इट इज़ इलेक्टेड बाई ऑल. नंबर थ्री, इट इज़ अ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. नंबर फोर, गुड लॉज आर पास्ड बाय द गवर्नमेंट. द गवर्नमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वलिटी. सभी लोग उसमें लिबरल होते हैं और आपस में भाईचारा रखते हैं और एक दूसरे को इक्वल समझते हैं. नेक्स्ट, डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. हमें डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी इम्प्रूव करने का चांस मिलता है. इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, कि हम अपने डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट को इसमें डील कर सकते हैं, उनको सुलझा सकते हैं. नेक्स्ट, इट अलाउज पीपल टू करेक्ट देयर मिस्टेक्स. एंड हाउ डू वी करेक्ट अवर मिस्टेक्स? बिकॉज वी नो दैट डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट. व्हेन इलेक्शंस आर हेल्ड इन एवरी 5 ईयर्स, सो इफ वी हैव चोजन अ रॉन्ग पर्सन, सो वी कैन एलिमिनेट हिम इन द नेक्स्ट इलेक्शन एंड देन दिस वे वी कैन करेक्ट आर मिस्टेक. एंड एट लास्ट, इट इन्हेंसेज द डिग्निटी ऑफ सिटीजन. When citizen is the center point of the democratic system, the government has to work for his welfare. So students, this was your chapter. Thank you very much.